महेंद्रगढ़ में कनीना क्षेत्र के गांव मालदा के नहर के पास होटल में दिनांक 9 अक्टूबर को दिन के समय लाठी डंडों से घायल कर हत्या के मामले में महेंद्रगढ़ जिला पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया था। मामले में पुलिस ने नागल हरनाथ गांव के एक युवक विक्की उर्फ फुकरा को गिरफ्तार किया गया। आरोपित ने अपने साथियों के साथ मिलकर बवाना गांव के एक युवक को लाठी डंडों से पीटा था। ज्यादा चोटों की वजह से पीड़ित युवक ने इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। आरोपित को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था। रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपित से वारदात में प्रयोग किया हुआ डंडा बरामद किया है। आरोपित को आज न्यायालय में पेश कर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान आरोपित से वारदात में शामिल अन्य आरोपितों के बारे में पूछताछ की जाएगी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि देवेंद्र वासी बवाना ने कनीना थाना में 6 नामजद और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि दिनांक 9 अक्टूबर को उसका लड़का गौरव महेंद्रगढ़ से अपने घर बवाना आ रहा था। रास्ते में मालदा गांव की नहर के पास कुछ बदमाशों ने उसको पकड़ लिया और नहर के पास होटल में ले जाकर पीटने लगे। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब उसे इस बात का पता चला तो उसने वहां पर पहुंचकर अपने लड़के को छुड़ाया और सामान्य अस्पताल महेंद्रगढ़ ले आया। चोटें ज्यादा होने के कारण डॉक्टर ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही घायल युवक ने दम तोड़ दिया। इस पर थाना कनीना में मामला दर्ज कर कार्यवाही की गई। जिला पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत कार्यवाही के लिए उप पुलिस अधीक्षक राजीव के नेतृत्व में टीमों का गठन किया और तुरंत कार्यवाही करके आरोपितों को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए गए। मामले में कार्यवाही करते हुए SHO कनीना थाना की पुलिस टीम, स्पेशल स्टाफ महेंद्रगढ़ की पुलिस टीम और तकनीकी सेल की टीम ने वारदात को अंजाम देने में शामिल एक आरोपित विक्की उर्फ फुकरा को गाँव नागल हरनाथ के पास से पकड़कर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान शुरुआती जांच में सामने आया कि पुराने विवाद के चलते आरोपितों ने इस घटना को अंजाम दिया। आरोपित से पूछताछ जारी है। महेंद्रगढ़ से कलम की ताकत के लिए दिनेश यादव की रिपोर्ट।